बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बगैर वजू के तस्बीह छू सकते हैं या नहीं, तस्बीह पढ़ सकते हैं या नहीं, क्या मसला है? इस मसले को लेकर लोगों में बड़ी परेशानी रहती है कि क्या मसला होगा, क्या होगा। जरा समझ लीजिए, मसला बिल्कुल वाज़े करना चाहता हूँ। कुरान को छूने के लिए वजू का करना, वजू से होना ज़रूरी है छूने के लिए, तस्बीह को नहीं। इसीलिए जो आमतौर पर तस्बीहात, चाहे आप जो है गुठली की शक्ल में रखे हों या फिर जिस तरह 100-100 दाने के तस्बीह बने रहते हैं उस तरह की तस्बीह हो, तो उन तस्बीहात को छूने के लिए वजू का होना ज़रूरी नहीं है। बगैर वजू के भी आप उन्हें छू सकते हैं, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं है। इसी तरह नापाकी की हालत में भी अगर कोई नापाक है, पाक नहीं है, मिसाल के तौर पे औरत है, हैज़ निफास यानी माहवारी की हालत में है, या किसी और नापाकी की हालत में सोहबत के बाद नापाकी है, या कोई भी हो, किसी भी तरह की नापाकी हो, चाहे वो छोटी नापी है कि नापाकी हो, चाहे बड़ी नापाकी हो, किसी भी नापाकी में आप हों, तस्बीह को छू सकते हैं। तस्बीह को छूना कोई वजू से होना या पाक होना ज़रूरी नहीं है। बगैर पाकी के, बगैर वजू के भी आप तस्बीह छू सकते हैं। तस्बीह की बात है, तस्बीह पढ़ने की जहाँ तक बात है, जैसे तस्बीहात में बहुत से तस्बीहात, जैसे अल्लाहु अकबर या सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह या कोई और तस्बीह, आप अगर बगैर वजू के नापाकी की हालत में भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई कबाहत नहीं। याद रखिएगा, बगैर वजू के भी जायज, नापाकी के नापाकी चाहे वो नापाकी किसी भी तरह की हो जायज है, बिला कराहत जायज है, यानी मकरूह भी नहीं है। मसला बिल्कुल वाज़े कर रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ ताकि इस तरह की परेशानी आपको बार बार जो है उठानी न पड़े, बार बार इन मसाइल को लेकर आप उलझन के शिकार न हो। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन।